मैं आज इस पावन इस क्रांतिकारी धरती पर मेरा सम्मानित मंच को नमन करता हूँ, आप सभी आने वालों को अभिनंदन करता हूँ, सभी को सादर जय भीम। मैं बात उल्टी शुरू करता हूँ, और हमारे इंजीनियर साहब की बात को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने सबको परखा, सबका शासन ढीला है, हमने सबको परखा, सबका शासन ढीला है, और अब तो शासन उसका होगा जिसका झंडा नीला है। क्योंकि यही लोग, ये जो नीले झंडे वाले हैं, यही संविधान को बचाने वाले हैं। ये जो संविधान है, ये हमारी आजादी का दस्तावेज है मेरे दोस्तों, और यही वो धरती है, यही वो रोड है जहां पर कुछ लोग यहां पर संविधान के प्रतियों को जलाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग इस आजादी के दस्तावेज को ऐसे चलते कब तक देखते रहेंगे? कब तक आपको अब अपने बच्चों को साथ लेकर सड़क पर आना पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात जो कह दी है कि हम उनसे पैसे में नहीं जीत सकते हैं, हम उनसे लठ में नहीं जीत सकते हैं, हम उनसे सेना में नहीं जीत सकते हैं। हम जीत सकते हैं तो मेरे दोस्तों सिर्फ अपना बटन दबा कर जीत सकते हैं, और तभी जाकर हम अपना शासन करेंगे और हम अपने संविधान को निश्चित रूप से उतना मजबूत कर देंगे। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि हमारी एक ही नेता है, उनको दिल्ली के तख्त पर पहुंचा दो, ये संविधान 100 साल तक सुरक्षित हो जाएगा, आपका आरक्षण सुरक्षित हो जाएगा मेरे दोस्तों। और इसकी तैयारी कर दो और सिर्फ अपना बटन दबा दो। सभी को यहाँ पर आने के लिए ढेरों ढेरों बधाइयां और ढेरों ढेरों आभार। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा भीम सैनिक हूँ, आज यहाँ खड़ा हूँ तो युद्ध और बुद्धिस्ट की वजह से हूँ, आज यहाँ पर हूँ तो हमारे प्रेरणा स्रोत बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी की और समय प्रकाशन की देन है। मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी यहाँ आए, समय प्रकाशन और बोधाचार्य से जितना ज्ञान ले सकते हैं उतना ले लीजिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें सिखाया है कि हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं। यहाँ पर राजस्थान में इस समय इलेक्शन का टाइम है, कुछ साथी हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं वो यहाँ नहीं आए, लेकिन 20 से 25 हजार लोगों ने साइन करकर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आप सभी के साथ में मेरे दोस्तों, आप सभी इसी मुहिम में जुड़ जाइए। सभी को जय भीम, जय भारत।